जय श्री राम। वेलकम टू माय चैनल स्वाति वर्मा कैप्टन फन। और आज मैं आपको लेकर आई हूँ लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर के प्रांगण में। लेकिन प्राचीन हनुमान सेतु मंदिर प्रांगण में लाई हूँ, नवीन वाले नहीं, क्योंकि नवीन मंदिर को तो सभी लोग जानते हैं। बट आज मैं आपको प्राचीन हनुमान सेतु मंदिर में लेके आई हूँ, जिनकी स्थापना ऐसा कहा जाता है कि बाबा नीब करौरी ने के समय से हुई है। उन्होंने एक यहाँ पर छोटे से हनुमान मंदिर की मूर्ति को स्थापित किया था, उसके बाद इस मंदिर का निर्माण हुआ। और कैसे क्या हुआ इस विषय में मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नए हनुमान सेतु मंदिर के बारे में तो सब लोग जानते होंगे, बट इस प्राचीन मंदिर के बारे में अभी किसी को पता नहीं है। तो ये जो हनुमान सेतु का एरिया है, उससे जब आप नीचे ब्रिज के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे तो एक यहाँ पर प्राचीन हनुमान मंदिर है, और इसमें आपको बाबा नीब करौरी का आश्रम भी मिल जाएगा। तो कैसे स्थापना हुई, क्या इतिहास रहा है, आइए जानते हैं। अगर मुझे कोई पंडित जी या साधु जी मिल जाते हैं तो मैं उनसे प्लीज़ आग्रह करूँगी कि मुझे प्लीज़ इसके बारे में इन्फॉर्म करें, क्योंकि मैं खुद भी जानना चाहती हूँ क्या स्टोरी है। नेट पे तो बहुत पढ़ा है, पर मैं साक्षात इन लोगों से जानना चाहती हूँ, और आपको भी साथ में ले चलते हैं। जय हर, जय बजरंग बली। सर, इस मंदिर के बारे में या अगर इतिहास के बारे में अगर आप कुछ मतलब हमें, मेरे दर्शकों को या मुझे थोड़ा सा ज्ञान दे पाएं, तो उस मंदिर के बारे में हम जानना चाह रहे हैं। बहुत पुराना है, प्राचीन समय से इस मंदिर में पहले, सबसे पहले यहाँ पे हनुमान जी की बहुत छोटी मूर्ति हुआ करती थी। सन 1950 में बाबा नीब करौरी जी यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे अपने हाथ से हनुमान जी की ये प्रतिमा स्थापित की थी। तब से यही प्रतिमा यहाँ पे चली जा रही है, और 10 साल तक यहाँ पे वो रह करके अपनी जो है तपस्या किए, इसलिए ये तपा स्थली भी बाबा नीब करौरी जी मानी जाती है। और सर, ये जो ऊपर नया मंदिर बना हुआ है, तो ये ऐसा माना जा रहा है कि उस समय बाढ़ आई थी और उस टाइम पे ये मंदिर स्थापित हुआ था, तो उसका कुछ ऐसा इतिहास कुछ आपको बताओ। ये ऊपर वाला जो मंदिर बना हुआ है, ये सन 1964 में बनवाया गया था। मुंबई के एक ठेकेदार थे, उनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था। उस समय ये जो ऊपर का जो ब्रिज था, ये जितना बनता था वो रात में सब पूरा गिर जाता था, जिससे वो बहुत परेशान हो गए थे। ये पुल नहीं बन पा रहा था, तब किसी के कहने पे वो ठेकेदार जो थे वो बाबा से मिलने आए यहाँ पे। तो बाबा के आशीर्वाद से उन्होंने बताया कि ऊपर हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करिए, तब आपका ये पुल रुक जाएगा। तब 1964 में हनुमान जी की प्रतिमा वहाँ स्थापित की गई, तब जाकर के वहाँ पे वो मंदिर निर्माण हुआ। तो ये सबसे बड़ा चमत्कार था। और इस तपस्थली के बाद जब ये आप लोग ने यहाँ पर मंदिर में आए, उसके बाद ऐसा कुछ आपको फील हुआ या ऐसा कुछ चमत्कार, कुछ ऐसा चमत्कार आपने महसूस किया कि यहाँ पे आपको फील हुआ हो? इस तपस्थली में तो बहुत सा ऐसा कुछ देखा जाता है, भक्त अपनी परेशानियाँ लेकर के आते हैं, रेगुलर आने के बाद भगवान के दरबार में बाबा के चरणों में अर्जी लगाते हैं,
तो उनकी मनोकामना कब कैसे पूरी हो जाती है ये तो बाबा ही जान सकते हैं। यहाँ तो बहुत से ऐसे चमत्कार आए भी होते हैं। और सर ये अभी जो नया यहाँ पे दुर्गा जी का मंदिर बना हुआ, अभी कितने साल हुआ इसको बने हुए? माता जी का मंदिर नया नहीं बना है, माता जी का मंदिर वो पहले से है जी जी। अभी जो है पिछले साल आपका ये राम दरबार बना हुआ है। अच्छा, इसका और पूरे मंदिर का जीर्णोद्धार कब हुआ, ये कैसा मंदिर था पहले? ये राम दरबार तो पिछले साल बन के तैयार हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। ये थी मेरी हनुमान सेतु यानी कि प्राचीन हनुमान सेतु मंदिर के बारे में कुछ विशेष जानकारी। यहाँ पर आकर मैंने पंडित जी से आग्रह किया और उन्होंने कुछ मुझे जानकारियाँ दी हैं, क्योंकि आज दिन है मंगलवार और मैं दर्शन करने आई थी, तो मैंने सोचा कि कुछ ना क्यों ना मैं कुछ इन्फॉर्मेशन बटोर लूँ। और मैंने उनसे आग्रह किया, परंतु यहाँ पर अभी राम पाठ चल रहा है, बजरंग बली जी का पाठ चल रहा है, तो ज़्यादा टाइम वक्त मुझे वो नहीं दे पाए। बट मैंने कोशिश करी कि आप लोगों को भी मैं थोड़ा सा जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर पाऊँ। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जय बजरंग बली। और इसी तरह के टॉपिक्स में मैं फिर आपको आगे मिलती रहूँगी। तब तक के लिए इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दिस इज स्वाति वर्मा, कैप्टन फन, साइनिंग आउट।